परमेश्वर आपको भी ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपके घरानों को भी दूसरी रूहों को बचाने के लिए यूज करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज संडे है, जल्दी तैयार हो जा, चर्च जाना है। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, मेरे पास स्कूटर नहीं, मेरे पास बस नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास किराया नहीं। चल चल, तू मेरी गाड़ी में चल, मैं तुझे अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। ये ले, तू मेरा मोटरसाइकिल ले, हेलमेट डाल और निकल जा, मैं बस पे आ जाऊंगा। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था? मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, क्या पकड़ने वाला? मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आजकल कई बहनें ऐसी हैं, अभी महीना हुआ उनको बपतिस्मा ली हुए, मुझे पता चला कि वो कलिसिया से नंबर इकट्ठे करती रहती हैं। मोबाइल फोन देना जरा, एक फोन देना, ऐसे क्या करेंगी? तुम भी आ जाओ, थोड़ी देर विश्वासी बन जाओ। वो क्या करेंगी? ऐसे आएंगी, ये उनका नंबर है, बहन जी अब कैसे हैं, मैं ना आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मुझे अपना नंबर दे दो। टिक 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 टिक, नंबर लिख लिया, सेव कर लिया, और फिर दूसरी के पास जाएंगी, हाँ जी आप भी मुझे देखिया भी, जिन्होंने कपड़े सोने सोने पाए, जिहड़े सोने सोने लगते हैं, उन्होंने सारे दे नंबर ले लेने। बाद में जाके उन्होंने पता नहीं की उल्टियाँ पुलटियाँ अपनिया ही केड़ियाँ सुनाई जानी उन्होंने। कितने जन नूं समझ आ रही मेरी गल? पहले आपने खुद सीखना है, गॉड ब्लेस यू, पहले आपने खुद सीखना है। कलिसिया से एक दूसरे के नंबर लेने बंद कर दो प्लीज, ना लो एक दूसरे के नंबर। आप अभी तक कच्चे हो, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कच्चे हैं कुछ लोग, और वो नंबर ले लेते हैं, और आप किसी को नंबर दो भी ना अपना। आपको किसका नंबर चाहिए? आपको परमेश्वर का नंबर चाहिए, आपको खुदावंद के साथ मिलना है, आपको आत्मिकता में बढ़ना है, अपनी प्रेयर लाइफ में बढ़ना है। याद रखो, उस व्यक्ति को अपना नंबर देना जो व्यक्ति आपके अपोस्टल से बड़ा है। कितने लोगों को समझ आ रही? अगर आपको लगता है कि मुझसे ज्यादा अभिषेक किस में है तो उसको नंबर दे दो। अगर आपको चर्च में लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई बाइबल का प्रचार करता है तो उसको नंबर दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको उसका नंबर लेकर फायदा ही होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जिसको अभी ए बी सी डी नहीं आता है, आप उसको नंबर दे दोगे, वो आपकी ए बी सी भी बुला देगा। समझ आई मेरी बात की? चर्च में ये ट्रेंड हमने बिल्कुल खत्म करना है, उसका नंबर ले लिया, उसका नंबर ले लिया। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी को अपना नंबर ना दो। हमारा ऑफिशियल नंबर है प्रेयर लाइन का, उसी पर कॉल करो, इन्फॉर्मेशन लो, और रंग बिरंगी दुआएं ना कराया करो। रंग बिरंगी प्रार्थना, नीली हरी पीली चिट्टी, ये प्रार्थनाएं बंद करो। अब एक ही प्रार्थना पर विश्वास रखो। इससे भी करा ली पहन जी, आप भी कर दो। इसने सफेद सूट पहना है, ये सफेद सूट वाला वॉलंटियर है, ये काले सूट वाला वॉलंटियर है, तू भी हाथ रख दे चल, तू भी हाथ रख दे चल। सारी जिंदगी बाल झड़ जाएंगे हाथ रखा रखा के, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। कितने लोगों को समझ आ रही? जिंदगी कब बदलेगी? जब आप अलीशा की तरह एलिया को फॉलो करेंगे, तब लाइफ चेंज होगी। जोर से बोले हालेलुया। एक दूसरे को नंबर देना बंद करो, और किसी की पर्सनल लाइफ में कभी नहीं जाना। उसकी पत्नी क्या करती है, उसकी वाइफ क्या करती है, तू मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले, तू मेरे साथ। किसी ने, एक चर्च की बात बता रहा हूं आपको, किसी ने किसी को अपना नंबर दे दिया, भाई को बोला चलो चर्च में जाता है, इसको नंबर दे देती हूं अपना। तो उसने नंबर दे दिया बहन ने, बोली ब्रदर ये मेरा नंबर ले लो। वो बात करने लगा उससे, चैटिंग होने लगी। वो बता रही है बेचारी अपनी प्रॉब्लम, बता रही मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग करता है, मेरा हस्बैंड थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है, दूसरी जगह पर अपना कनेक्शन जोड़ रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, रात को देर देर तक घर नहीं आता। वो आगे से पता क्या बोला, चल तू मुझसे फ्रेंडशिप कर ले। कितने लोगों को समझ आ रही? बताओ, दो और नंबर, और फिर वो 5-10 को जब तुम्हारी चैटिंग दिखाएगा ना, ये देखो उसकी पत्नी ने, 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 ने। फिर पता चलेगा आपको। समझ आ रही मेरी बात की? ये सोशल मीडिया है, ये जमाना बड़ा खराब है। सारे मेरी तरह सऊ नहीं है, सिद्धे नहीं है, बहुत दुनिया। इसलिए जब आप किसी को अपना नंबर देते हो तो सावधान हो जाओ। बताओ, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है,
बता रही है कि मेरा हस्बैंड मुझे तंग कर रहा है, उसको बोलना चाहिए सिस्टर जी डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, हम अपोस्टल रमन हंस जी के चर्च के विश्वासी हैं, आप घबराओ मत, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उसके मन को बदलेगा। उसको ऐसा बोलना चाहिए। वो आगे से बोला चल तू छोड़ उसको, मैं हूं ना। कमाल हो गई। बताओ क्या आप आत्मिक जीवन में तरक्की कर पाएंगे? क्या आप परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे? क्या आप भी मूसा की तरह, पत्रस की तरह, पौलुस की तरह, एलिया की तरह, क्या आप अपने जीवन में कभी प्रभु के लिए कुछ कर पाएंगे? किस मुंह से आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे जब वो आपका न्याय करेगा? लेकिन याद रखें, आज के बाद ये वादा करो, मैं किसी को अपना नंबर नहीं दूंगा। और जो यहां पर छोटियां छोटियां मछलियां हैं ना जो, और बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही है, आपको भी चेतावनी दे देता हूं। अभी आपको बपतिस्मा लिया आपने, अभी तो पूरी तरह से पवित्र आत्मा भी नहीं पाया, और आप नंबर लेके मंडलियां भी चर्च में बनाना बंद कर दो। चार ग्रुप उसके बन गए, दो ग्रुप उसके बन गए, एक ग्रुप इधर खड़ा है, एक ग्रुप उधर। ये ग्रुप वाला सिस्टम बंद करो। ग्रुप ग्रुप खेलोगे तो ग्रुप में रह जाओगे और कभी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाओगे। ग्रुप वाला सिस्टम बंद करो। हमारा एक ही ग्रुप है, हमारा एक ही ग्रुप है, हम सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं, हमारा एक ही ग्रुप है बस, और इससे बड़ा ग्रुप और कोई नहीं। हालेलुया बोलें जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए। मुझे कोई ये बातें मुझे कोई नहीं बताता, मुझे परमेश्वर सब बताता रहता है। मैं तो देख के बता देता हूं, ये भाई कहां से आया, किधर से आया, क्या करके आया, रात को कहां था। आपकी तरह मेरी प्रार्थना वो 20-25 मिनट वाली नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए याद रखो, गेहाजी ने एलिशा से झूठ बोला था कि मैं इधर ही घूम रहा था। उसने कहा मेरा आत्मा तेरे साथ था। अपनी लाइफ को आप चर्च में आते हो चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, दूसरों के नंबर ना दो।